वो जुड़वा बहनें जो आपस में करती हैं खट्टी मीठी तकरार, लेकिन एक दूसरे को करती हैं खुद से भी ज़्यादा प्यार। दोनों की पसंद भी है एक, लगती हैं वो एक दूसरे की। मेरा रिमिस नाम पूछो तो कहती हैं, आज आपको बता ही देती हूँ कि कौन चिंकी है कौन मिंकी। तो मैं चिंकी हूँ या मिंकी है? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन है चिंकी और कौन है मिंकी, वो भी विद प्रूफ। और ये ऐसा नहीं है कि वीडियो मैंने कल सोची हो और आज बना दी हो, ये मेरे 15 दिन के ऑब्जर्वेशन पे बेस है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इनकी लाइफ स्टोरी बताऊंगी ताकि आपको चिंकी और मिंकी को पहचानने में आसानी हो। 27th of December 1998 को दिल्ली की एक पंजाबी फैमिली में दो खूबसूरत लड़की का जन्म हुआ। एक का नाम सुरभि रखा गया तो एक का नाम समृद्धि। इनका पूरा नाम सुरभि मेहरा है और समृद्धि मेहरा है। सुरभि समृद्धि से एक मिनट बड़ी है, जिसका फायदा सुरभि उठाती थी और समृद्धि से कहती थी कि तुम मुझे दीदी कहा करो, मैं तुमसे पूरे एक मिनट बड़ी हूँ। और समृद्धि दीदी भी कहने लगी थी, लेकिन वो थोड़ी समझदार हुई तो उन्हें पता चला कि सिर्फ ये 60 सेकंड ही है, तो उन्होंने दीदी कहना छोड़ दिया। समृद्धि बताती हैं कि सुरभि बचपन से ज़्यादा शैतान रही हैं और समृद्धि थोड़ी सी बबली नेचर की हैं। अगर इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनकी फैमिली में मम्मी पापा और दो डॉगी हैं, और इनकी फैमिली ने और रिलेटिव्स ने इनका प्यार से नाम चिंकी मिंकी रख दिया था। ये बताती हैं कि हमारे रिलेटिव्स, दोस्त, टीचर, इवन मम्मी पापा भी कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन चिंकी और कौन मिंकी, और कभी कभी बीमार मिंकी पड़ती थी और दवाई चिंकी को खिला देती थी। ये लोग बताती हैं कि हमने ट्विंस होने का एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा लिया है। सुरभि और समृद्धि दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग माउंट टू पब्लिक स्कूल दिल्ली से किया था। इन्होंने अपना 12th कॉमर्स विद मैथ से किया है। जब इनके 12th के एग्जाम थे तो इन्होंने 15 दिन नहीं नहाया था। सुरभि के 12th में 92% है और समृद्धि के 12th में 89% है। सुरभि ने अपना कॉलेज PGDAV लाजपत नगर न्यू दिल्ली से किया है और समृद्धि ने अपना कॉलेज CBS कॉलेज न्यू दिल्ली से किया है। इन्होंने कॉलेज के टाइम से ही जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जॉब के कुछ महीने बाद ही इन्हें ये पता चल गया कि इनसे 9 to 5 की जॉब तो नहीं होगी। फिर इन्होंने जॉब छोड़ दी और ब्रांड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला। फिर इन्होंने साथ में फैशन और स्टाइलिंग फोटोशूट भी स्टार्ट कर दिया था और कई एड फिल्म्स भी किया था। इनको जुड़वा 2 फिल्म के लिए फोटोशूट भी कराया गया था। सुरभि और समृद्धि ने 2019 में अपना कॉलेज खत्म किया है और सुरभि ने ये प्लान किया था कि आफ्टर कॉलेज मैं कनाडा जाऊंगी, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि मेरी लाइफ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलने वाली है। और ये टिकटॉक पर एक साल से वीडियोस बना रही थी। उन्हीं वीडियोस को देखकर द कपिल शर्मा शो से इन्हें एक DM आया कि आप साथ में बोलते हुए एक वीडियो भेजिए, और इन्होंने वो वीडियो बनाकर भेज दी। फिर द कपिल शर्मा शो से कॉल आया कि आप लोग ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई हैं, सेट पे आ जाइए। तो इन्होंने मम्मी से बताया कि मम्मी हम लोग सिलेक्ट हो गए, तो इनकी मम्मी ने मजाक समझा और पूरा चुपचाप घर पे बैठो। लेकिन फिर द कपिल शर्मा शो से कॉल आया और इन्हें सेट पे बुलाया गया। फिर ये जब ये सेट पे पहुंची तो इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, इन्हें ये सब सपने की तरह लगा। फिर इन्हें स्क्रिप्ट दी गई जिसे इन्होंने 6 से 7 घंटे रियाज की, और इनका पहला परफॉर्मेंस लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा लगा और अर्चना जी ने इन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। इसके बाद चिंकी मिंकी हर किसी की फेवरेट बन गई। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, दे हैव अ सच अ ग्रेट टैलेंट, बेस्ट टाइमिंग एंड बेस्ट एक्सप्रेशन। द कपिल शर्मा शो से इनके करियर को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली। इन्हें कई स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी बुलाया गया और 2019 के टॉप 5 वायरल वीडियो में से इनका वीडियो एक था। द ट्विन सेंसेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है और ITA अवार्ड्स परफॉर्मेंस में भी इनको बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं चिंकी और मिंकी कौन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सुरभि और समृद्धि को पहचानना सीख गए तो आप चिंकी और मिंकी को बहुत आसानी से पहचानना जान जाएंगे, क्योंकि लोग अपने हर इंटरव्यूज़ में अपना सुरभि और समृद्धि नाम जरूर बताते हैं कि इनका नाम सुरभि है और किनका नाम समृद्धि है। इन्होंने अपने एक इंटरव्यूज़ में ये भी बताया था कि सुरभि थोड़ी सी एरोगेंट है और समृद्धि थोड़ी सी बबली नेचर की है। ये चीज़ जब वो बात करती हैं तो भी आप देख सकते हो। और हाँ, सुरभि और समृद्धि की आवाज़ में थोड़ा सा अंतर है। समृद्धि की वॉइस सुरभि से थोड़ी सी पतली है। तुम सब उसको जब मना कर देती कि आई एम सॉरी वी कैन नॉट मेक इट, सो आप यूज कर सकते हैं कॉफी मेकर का, क्योंकि अभी हमने यूज किया है। मैं कुछ बोल सकती हूँ? मैं मैगी मैंने बनाई है। दिस इज द शेफ सुरभि मेहरा, जस्ट वांट टू इंस्ट्रक्ट यू अबाउट द मैगी दैट आई मेड जस्ट नाउ। सो समृद्धि ने अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में रिंग पहनी है और सुरभि ने अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में रिंग पहनी है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सुरभि जो है वो समृद्धि से एक मिनट बड़ी है, तो सुरभि का नाम चिंकी है और समृद्धि का नाम मिंकी है। सोच क्या रहे हो,
19-20 का ही फर्क है। अरे चिंकी, बोल मिंकी, तन्ने खाना खाया? मन ने तो खाया, ते मन ने क्यों नहीं खिलाया? अरे सॉरी, अरे सोन रही, मैं जाग रही, अरे मैं तन्ने कह रही सॉरी। हाँ ठीक है। चलिए, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और उसके बगल के बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।